विद्यार्थियों, आज आपको हम समस्या जनित विधाओं एवं प्रबंधन जो सेमेस्टर 5 में विषय है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसमें आज क्यों नहीं आज का विषय जो था ये एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशंस में जो विभिन्न प्रॉब्लमेटिक्स वायरस हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो समस्याजनक निदान हैं। आज के लेक्चर को मैंने जो उद्देश्य है इसका, विद्यार्थियों को विभिन्न कृषि परिस्थिति के अंतर्गत समस्याजनक निदानों के बारे में विस्तृत रूप से बताना देना है। ये प्रस्तावना है कुल भौगोलिक क्षेत्र भारत का 347.12 मिलियन हेक्टेयर है, जिसका आपका 175.06 मिलियन हेक्टेयर समस्या जनित मृदाओं से है। थोड़ा आधा से अधिक जो है ये समस्या जनित मृदाएं हैं भौगोलिक क्षेत्र का, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 54.43% है। भूमि, मृदा, जल प्रमुख रूप से हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। भूमि जल संग्रहण का एक प्रमुख स्रोत है एवं विभिन्न फसलों के लिए पोषक तत्व का स्रोत होता है। खाद्य, ऊर्जा और अन्य मानव आवश्यकता की पूर्ति भूमि से ही होती है। अतः हमारी भूमि संसाधन सीमित है, अतः इस संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसमें कम लागत के अधिक लाभ मिल सके। और खाद और यदि हमने पूरे भूमि का दुरुपयोग किया तो एक दिन भूमि पर मानव जीवन का आपन मुश्किल होगा। ये समस्या जनित मृदाएं क्या है, ऑलरेडी हमने पहले आपको बताया भी है। ये वो भूमि है जो ऐसी विशेषता रखती है उत्पादन के विभिन्न अनुपयोगी हो और जिसे बिना सुधार के कृषि उत्पादन नहीं किया जा सकता। ऐसी भूमि की समस्या जनित मृदाएं कहते हैं। इसकी भौतिक और जैविक तथा ये रासायनिक संरचना खराब हो जाती है, इससे मृदा अनुपजाऊ होती हैं और इसे जो है समस्या जनित मृदाएं कहते हैं। देखें, भारत में समस्याग्रस्त मृदाओं का स्तर जो है, इसमें जो वाटर इरोजन है जिसको जल अपरदन करते हैं 112.6 मिली हेक्टेयर है। वायु अपरदन जो एयर से इरोजन होता है उसका 38.74 मिलियन हेक्टेयर है। जो जल प्लाविदन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं वो 6 मिलियन हेक्टेयर हैं। जो लवणीय और क्षारीय मृदाएं हैं 5 मिलियन हेक्टेयर हैं। अम्लीय मृदाएं 16.06 मिलियन हेक्टेयर हैं। जटिल मृदाएं जो कम्प्लेक्स वायरस होती हैं, जैसे बीहड़ है, गली है और दीरा भूमि जो नदियों किनारे की भूमि होती हैं वो 7.38 है। कुल निम्नीकृत मृदाएं का क्षेत्रफल जो होता है 175.06 है और इसका भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत जो है 347.12 है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के समस्यागत मृदाओं का प्रतिशत 50.43% है। इसी तरह से आप देखें कि जो साल्ट पेटेड सॉइल हैं जिनको लवणीय एवं क्षारीय मृदा कहते हैं, इनका वर्गीकरण इस तरह से है स्टेट वाइज। ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्रफल 12.95 है और ये जो है गुजरात में 12.15 मिलियन हेक्टेयर है। पश्चिम बंगाल में 8.50 मिलियन हेक्टेयर है। राजस्थान में 7.28 मिलियन हेक्टेयर है। पंजाब में 6.88 मिलियन हेक्टेयर है। महाराष्ट्र में 5.35 मिलियन हेक्टेयर है। हरियाणा में 5.26 मिलियन हेक्टेयर है। उड़ीसा में 4.02 मिलियन हेक्टेयर है। कर्नाटक में 4.04 मिलियन हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में 2.4 मिलियन हेक्टेयर है। आंध्र प्रदेश में 0.24 मिलियन हेक्टेयर है। दिल्ली 0.26 मिलियन हेक्टेयर है। केरल दिल्ली में 0.16 मिलियन हेक्टेयर है। केरल में 0.56 मिलियन हेक्टेयर है। बिहार में 0.04 मिलियन हेक्टेयर है। तमिलनाडु में भी 0.04
ये जो साल्ट अफेक्टेड सॉयल है। अब अम्लीय मृदाएं का स्तर जो होता है, एक तो लेटराइट सॉयल है जिसका पीएच मान 4.8 से 7.0 तक होता है, ये 156 मिलियन लाख हेक्टेयर है। दूसरा जो है लेटराइट सेम लेटराइटी सॉयल है जिसका पीएच मान 5 के बीच में होता है और 118.0 मिलियन हेक्टेयर ये लाख हेक्टेयर है। और मिश्रित लाल एवं लाल पीली मृदाएं 5.5 to 6.5 मिलियन ये पीएच की वैल्यू के अंतर्गत आता है और 230.6 मिलियन हेक्टेयर इसका लाख हेक्टेयर है। ये पैनोजेनस लाल लोहिक या फेरोजेनस सॉयल और पथरीली सॉयल ये इसका पीएच मान 5 to 6.8 और 5.2 to 6.7 तक है। और ये जो है आपकी चार की कैटेगरी में जो सॉयल आती हैं उसका एरिया है 89 लाख हेक्टेयर है। और आप पॉर्जोलिक एवं बादामी मृदाएं इनका पीएच 4.5 to 6.5 है और ये 224.7 लाख हेक्टेयर के अंतर्गत आती है। एक तो मेरी पाद या गहरी काली भूमि इनका 4.3 होता है और 6.5 होता है और इसका एरिया जो है 180 लाख मिलियन हेक्टेयर है। पीट सॉयल है जो ऑर्गेनिक सॉयल्स होता है 3.4 to 4.5 पीएच में होता है और क्षेत्रफल इसका जो है 0.2 लाख होता है। अब ये भारत में जलप्लाई मृदाओं का आकलन किया गया है जो एग्रीकल्चर कमीशन 1972 ने दिया है। इसमें 4.7 जो है मिलियन हेक्टेयर है और नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 मिलियन दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 1984-85 ने 4.83 मिलियन दिया है। वर्किंग ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज 2.46 मिलियन हेक्टेयर दिया है और एनटी सिंह 1994 ने बताया है 4.50 है। आईपी एब्रॉल ने 16.0 बनाया है। एनटी सिंह एवं ए के बंदोपाध्याय 1966 ने 3.95 बनाया है और आठवां जो है जी सहगल इन्होंने 5.20 बनाया है। इसका स्रोत है भट्टाचार्य पीके 1980। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 54.43% भूमि निम्नीकृत मृदाएं जो डिग्रेडेड सॉयल है उसके अंतर्गत आती है जो अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों को खराब होने के कारण कृषि योग्य नहीं रह गई है। अगर इन्हें निम्नीकृत मृदाओं का सुधार वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। भौतिक एवं रासायनिक सुधार के बाद इन मृदाओं में विभिन्न फसलों की पैदावार लेकर अधिक उत्पादन किया जा सकता है जिससे देश की खाद्य एवं पोषण समस्या की दूर किया जा सकता है। अंत में विद्यार्थियों को विभिन्न कृषि पद्धतियों के अंतर्गत समस्याजनक मृदाओं के आकलन करके भारत की कृषि उत्पादन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसे संदर्भ ये हैं जिसे मैंने लिया है, एक तो बी सी श्रीवास्तव 2011 मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस एग्रोबैक इंडिया पब्लिकेशन, विनय सिंह 2009 मृदा विज्ञान भारती भंडार पब्लिकेशन मेरठ, बी एन सहाय 1990 फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस कल्याण पब्लिकेशन नई दिल्ली,
नेक्स्ट फंडामेंटल Thank you.